हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे रहे? एग्जाम्स की प्रिपरेशन बात की जाए, MEG 03, सर ये फर्स्ट का पेपर है, बैक है, इसको करना है कंप्लीट। एंड दोज आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर इन दिसंबर, गाइस दिस पेपर इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पेपर में आते हैं कम से कम 70 मार्क्स। यस, यू कैन स्कोर लीस्ट 70 इन दिस पर्टिकुलर पेपर, बट नाउ एट दिस टाइम पर्टिकुलर आई मीन डिस्कसिंग दोज हु डोंट हैव मच टाइम, सर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम कैसे तैयारी करें MEG 03 की, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश नॉवल। अबे ब्रिटिश नॉवल को पढ़ने का तरीका क्या है ना, हाउ आई एम गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स, ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। फॉर दैट व्हाट यू गाइस नीड टू डू, यू नीड टू हैव अ पेन अलोंग विद अ कॉपी। सर कॉपी दैट इज नॉट बुक, जनरली कॉपी अच्छा नहीं लगता सर, एम विल नो एम इंग्लिश, किसने बोला यार कॉपी, हम बोलते हैं यार यूज दिस से दैट। तो यहाँ कॉपी होने का रीजन था, यू गेट टू नो द रीजन बिहाइंड इट। स्टोरी लाइन, नॉर्मली लोग बोलते हैं सर कैसे करनी तैयारी, तो यार पहले कैसे करनी तैयारी ये गई भाड़ में। पहले कहते हैं 5 नॉवल जो ऑन टिप होने चाहिए, अगर ये 5 आते होंगे ना तो तुम इस पेपर में कम से कम 80 नंबर ला सकते हो, अगर ये 5 आते हैं तो। आई एम नॉट टॉकिंग कि भाई सारे के सारे मतलब नो के नो मेरे को ऑन टिप हो, नो आई डोंट वांट द 9 out of 9 बी ऑन योर टिप्स, नहीं यार पहले 5, तो 5 लिख लो यार, कहाँ यहाँ वैसे भी लिखते हैं जो कॉपी मैंने बोली वो जान के बोली, तो उसका रीजन बताऊँ हमें, तो वहाँ आपने लिख लेना है कहाँ, सबसे पहले अपने दिमाग में लिखना है एंड द वेरी फर्स्ट दैट आई रियली वांट इज टॉम जॉन्स। पहला क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको टॉम जॉन्स से, द फर्स्ट क्वेश्चन इट्स बी कम फ्रॉम द टॉम जॉन्स। सो गाइज मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू डू द टॉम जॉन्स। अच्छा, इसको पढ़ने का तरीका, पहले जो 5 नॉवल बोल रहा हूँ इनकी वीडियोज देख लेना, सबसे पहले इनकी वीडियो देखनी है, उसके बाद करेक्टर चार्ट बनाने हैं। I repeat what you need to do, you need to make a character chart. Character chart major और minor character के बीच में relationship को show करते हैं, character chart themes को highlight करते हैं, character chart basic plot को sum up कर देते हैं। तो character chart पहले जी, तो सबसे पहले Tom Jones, मैंने बोला very first Tom Jones on tip होना चाहिए, then I'll jump to hero heroine sir, Pride and Prejudice. सर मिस्टर डार्सी एंड एलिजाबेथ, मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ, दोनों के कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए सर, मेरे एक एक पॉइंट यहाँ पे मैटर करता है कि मुझे स्टोरी लाइंस ऑन टिप होनी चाहिए। पहले टॉम जॉन्स गॉड के भी जाऊँगा सर, एलवर्दी का करेक्ट नेम टॉम जॉन्स का सर, सोफिया को तो छोड़ने वाला हूँ ही नहीं मैं, क्योंकि शी इज द मेन हीरोइन, हाउ कुड आई बिलीव इट। नाउ टॉम जॉन्स द सेकंड वन, वी हैव द प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो ये तो हमें टिप पे चाहिए। देन द वुदरिंग हाइट्स, हीरो कम विलन जा रहा था, सीरियस हीरो कम विलन जा रहा था, द हीथक्लिफ सर, हीथक्लिफ बोलो, हेल्थक्लिफ बोलो, वेल्थक्लिफ बोलो, ऐसे की तैसे ये कैरेक्टर बहुत डोमिनेंट है भाई। तो यहाँ इसको बताने वाला नरेटिव टेक्निक का क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आता है, 100% नरेटिव टेक्निक का क्वेश्चन आता है, कहाँ से सर? ये वुदरिंग हाइट से, तो वुदरिंग हाइट्स को प्लीज घोटा मार के बिना काम करना। नेक्स्ट वन ग्रेट एक्सपेक्टेशन, पिप फेरी टेल, नाइस इन फेरी टेल, मतलब सपनों की दुनिया, अरे किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई फ्रॉम द बिगनिंग टू द लास्ट, सब के सब धोखे में रहे। ऑनेस्टली सैटिस हाउस पता नहीं क्या था यार, मुझे समझ नहीं आया, मतलब मेरी तो फीलिंग कुछ और थी जो पहली बार वहाँ गया ना, एंड यू सीन ऑल द वाज वाज बीइंग स्टॉप्ड एंड उसके बाद एक वुमन एंड ऑल द ब्राइडल रूम वाज बीइंग सेट अप, फीलिंग दूसरी चली थी ना, क्या दिखा रहे यार, बट रियली आई गेट, नहीं यार ये तो कुछ हो रही यार। एंड देन सर पहले 4 हो चुके हैं, टॉम जॉन्स हो गया मेरा, मेरा हो गया प्राइड एंड प्रेजुडिस, मेरा हो गया वुदरिंग हाइट, मेरा हो गया ग्रेट एक्सपेक्टेशन, तो मेरा सर आखिरी 5वां हार्ट ऑफ डार्कनेस। कर्ट्स कोई हीरो नहीं था, सीरियसली ही इज नॉट अ हीरो शॉर्ट पर्सनैलिटी, मतलब हीरो बोलूं मैं लाइक इन द हीरो के, तो मिडल मार्च मेरा कभी फेवरेट था नहीं, तो मैंने मिडल मार्च को लिया नहीं, दैट इज नॉट माई फेवरेट एनी लाइन, कभी मेरा फेवरेट नहीं रहा, मैंने कहा अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ये मेरा फिर भी फेवरेट है, आई लव दिस स्टोरी लाइन। सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये ना ये स्टेटमेंट मुझे याद आती है, कब आती है, जब उसको बोलते हैं पादरी बन जा, फादर बन जा, बस सारे कर्म कांड कर रखे हैं बंदे ने, उसको बोल रहा पादरी बन जा, तो वॉट एवर रियली यू विश टू एंड देन हाउ कुड इट बी यार, सॉरी। तो यहाँ पोर्ट्रेट आर्टिस्ट इज यंग मैन, तो इसको करना है आपने, बाकी कौन से करने हैं कौन से छोड़ने हैं मर्जी आपकी है, लेकिन मैंने 5 बोल दिए, ये 5 कन्फर्म, तो ये 5 करेंगे।
पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्या होगा ट्रिप, ट्रिप नहीं ट्रिक, लासा। किसने बोला सर ऐसे करो तो सर ये ठीक नहीं है, क्यों नहीं है इसको क्लियर कर लेते हैं, आई एम ह्यूमन बीइंग एंड आई डू रियली। अब ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, आई मीन मेंशनिंग दिस, कम टू द पॉइंट, द फर्स्ट थिंग what I need to do, I need to have a strategy so that I can prepare for the paper, and the first thing that I am going to do is to watch all the videos, सारी की सारी वीडियो देख लूँ, आज ही टाइम नहीं मेरे पास, मैं सारी की सारी वीडियो देखूँगा from the beginning to the last, one by one, एक साथ नहीं, one by one, एक देखी उसके नोट्स को रीड किया, नोट्स है नहीं है, पीछे नंबर दिया गया 9811897243, नोट्स ले सकते हो, फ्री नहीं है भाई, नोट्स फ्री नहीं है, उसके लिए पे करना होगा, एंड यू गेट द नोट्स एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। कम टू पॉइंट सर, नोट्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो नोट्स को यार, वीडियो को फॉलो करो, मैंने कैरेक्टर्स बनाए, कैरेक्टर चार्ट बनाओ, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन को ऑन टिप कर लो, आंसर अपने आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई बस राम लक्ष्मण बुक है, प्लीज उस बुक की लैंग्वेज फॉलो मत करना, आई रिपीट डोंट फॉलो द लैंग्वेज दैट पर्टिकुलर बुक, मैं नाम नहीं ले रहा, ऐसे मेरे पीछे कोई पड़ जाए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने आंसर अपने प्रिपेयर करने, राइट डाउन इन योर ऑन लैंग्वेज, तो मैं आपको बता चुका हूँ कौन से करने। अब फर्स्ट राइट डाउन द प्लॉट इन योर वर्ड्स, तैयारी कैसे करनी, वीडियो देखिए अपने हिसाब जो कहानी समझ में आई है उसको लिखो, उसकी थीम्स को मेंशन करो, कौन कौन सी थीम्स हैं, हाउ दे आर कनेक्टेड, इफ पॉसिबल, सीरियसली इफ पॉसिबल मेक अ कैरेक्टर चार्ट, उस कैरेक्टर चार्ट का एक बहुत बड़ा रोल है आपके मार्क्स आने में। नाउ कान चू द क्वेश्चन सर, क्वेश्चन लिखना शुरू करें, यस आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन सर, कहाँ है क्वेश्चन प्लीज बता दो यार, हमें क्वेश्चन चाहिए, ये रहे क्वेश्चन, डेफिनेटली सारे क्वेश्चन दिया है, बहुत सारे पेपर हैं यार, बी एड वालों की भी बताने, बी एड वाले में से लड़ रहे हैं सीरियसली, कंप्लेंट कर रहे हैं सर एम ए जी वालों के लिए आप वीडियो बना रहे हैं, हमारे पेपर भी 17 है तो हमारा ध्यान कौन रखेगा, मैं ही रखूँगा और कौन रखेगा, तो आई एम गोइंग टू कम अप विद बी एड सॉल्यूशंस टू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। तो फर्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एम ए जी 03 सर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एम ई जी 03 के, करना क्या होगा, कैसे करना होगा, करने का तरीका क्या होगा, फॉलोअप कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द इवेल्यूशन ऑफ ब्रिटिश नॉवल, आई रिपीट, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द इवेल्यूशन ऑफ ब्रिटिश नॉवल, ये कहाँ से आया, इवेल्यूशन कहाँ से हुआ ब्रिटिश नॉवल का, आप उसको काम करना है, क्या करना है, कौन से चेंजेस है, किन को लेके चलेंगे, हम एक एक पॉइंट को फॉलोअप करेंगे, दिस विल वर्क। Come to the second question. Write a brief essay on a fiction as a history. Sir, ये question आएगा. Gut feeling नहीं है मेरे को. आएगा ऐसा लोग बोल रहे हैं तो ठीक है बोलते रहो यार. मैं सिर्फ आपको तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि ये important है. Next one. Can I write an attitude towards the marriage thus fielding illustrated in Tom Jones? ये आएगा. ये मैं बोल रहा हूँ कोई gut feeling है. Straight forward बोल रहा हूँ कि ये आएगा. तो इसको prepare करना है आपने. So no if no but just do it. कहता वॉट एटीट्यूड्स टूवर्ड्स द मैरिज दस फील्डिंग इलस्ट्रेट इन टॉम जॉन्स। टाइम टू नेक्स्ट वन, डिस्कस हाउ टॉम जॉन्स इज नॉवल अबाउट द डिवीजन ऑफ लाइफ इन सेगमेंट्स। डिवीजन ऑफ लाइफ इन सेगमेंट्स है, लाइफ को सेगमेंट्स से बांटा, बहुत सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, करने का तरीका क्या है, फॉलोअप करेंगे एक पॉइंट को। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द रीडर्स रिएक्शन टू द नॉवल। रीडर्स रिएक्शन, रीडर का रिएक्शन क्या है, क्या होता है, कैसे क्लियर करते हैं। डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द रीडर्स रिएक्शन टू द नॉवल। क्लियर होगा। कम टू नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द चीफ फीचर्स। सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द चीफ फीचर्स ऑफ लव एंड मैरिज इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। लव और मैरिज के चीफ फीचर्स हैं वो हमें हाईलाइट करने हैं। आई कम टू नेक्स्ट वन, कमेंट ऑन द यूज ऑफ विट एंड आयरनी। यानी विट एंड आयरनी, कमेंट ऑन द यूज ऑफ विट एंड आयरनी इन द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। सर विट कॉन्सेप्ट लो जी, क्या है आयरनी, क्या है, कैसे होती है और इस नॉवल में कितना डोमिनेंट रोल प्ले करती है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक। ये आएगा 100% आएगा, लिख लो अभी कभी, किसी ना किसी फॉर्म में आएगा ही आएगा। डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक इन वुदरिंग हाइट्स। वुदरिंग हाइट्स के नैरेटिव टेक्निक पे क्वेश्चन आते जाते हैं। In what way does Wuthering Heights a psychological novel? Yeah, it is a psychological novel. Yeah, from the very beginning I get to know what is a psychological novel. एक आदमी एक बंदी से प्यार करता है, उसको मिली नहीं, अब वो उसका बदला उसके पति की बहन से ले रहा है, उसका बदला उसी की बेटी से ले रहा है। पागल है क्या, सीरियसली यू लव दैट गर्ल, उसकी बेटी है तो कम से कम उसका तो ध्यान रख, बट इट्स अ साइकोलॉजिकल नॉवल, यू नीड टू गो फॉर दिस।
इन वॉट वे डज द वुदरिंग हाइट इज अ साइकोलॉजिकल होल हमारा डिस्कस द ग्रेट एक्सपेक्टेशन बिल्ड्स गो रोमन नॉवल सर बिल्ड्स गो रोमन ये एमईजी 2 के अंदर मैंने बोला था हाँ डेफिनेटली मैंने बोला था मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ ये दोनों में इंपॉर्टेंट है वेदर इज 2 और 3 हाउ डज ग्रेट एक्सपेक्टेशन सर्व बट द आइडिया ऑफ फेरी टेल ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था तुमने लिखा नहीं लिखा आई नो आइडिया बट ये तो कन्फर्म है कि ये आना चाहिए हमें कह रहा हाउ डज ग्रेट एक्सपेक्टेशन सर्व बट द आइडिया ऑफ द फेरी टेल Next one we have, and this is really important, explain social and gender concerns. Explain social and gender concerns in Middlemarch. अब ये जो भाई Middlemarch कर रहा है वो लिख ले तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं किसी को छोड़ दूँ कोई मेरे से नाराज होगी सर हमें तो बताया नहीं हम तो ये कर रहे थे तो आपने बताया नहीं मैं बता रहा हूँ Middlemarch का यही क्वेश्चन आएगा तो Explain the social and gender concerns in Middlemarch. How do conflicting attitude to money determine the relation between Lydgate and Rothman? In Middlemarch, conflicting attitude of the money. तो यार money का ही तो सारा game है Middlemarch तो उसको तो clear करना ही हमें. Next, the heart darkness मेरे favourites में आता है. Comment on Marlowe. Shifting opinion in heart darkness. Sir, shifting opinion उसका opinion shift होता था. तो heart darkness में clear करना है. कह रहे comment on the Marlowe shifting opinion in heart darkness. Now I come to the next one. Comment on the aptness of the title, Heart of Darkness. क्या aptness है title की? The title aptness of the Heart of Darkness. So next, सबसे easy, सबसे respected और अच्छा question. क्या है? Joyous. Joyous uses affinity. I repeat, affinity and the stream of consciousness. What is the affinity? And the stream of consciousness in the portrait of artist as a young man. जहाँ खुद से बात करना खुद को जानना क्या चीज़ आ रहे हैं कैसे क्लियर करें वो सारी बातें आ रही हैं कह रहा है डिस्कस द मेन प्रिंसिपल द एसेटिक पुट फॉरवर्ड बाय स्टीफन इन अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन कम टू द मेजर क्वेश्चन क्रिटिकल एग्जाम इन द सिंबल यूज नॉवल ऑफ पैसेज टू इंडिया सर सिंबल्स सर केस यूज दी मॉस यूज दी टेम्पल्स यूज हुए थे कई सारे सिंबल्स है आपके क्वेश्चन आता है डिस्कस पैसेज टू इंडिया इज अ नॉवल फोकस ऑन द ईस्ट वेस्ट इंटरफेयर चांस बट यू गाइस कैन डू दिस कहता व्हाट आर द इश्यू रेज बाय द ऑथर इन द प्राइम ऑफ मिस बॉडी ये तो इश्यूज वाला ही क्वेश्चन आता है इसमें और कुछ नहीं आता डिस्कस द ऑटोबायोग्राफी एलिमेंट नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन डिस्कस द ऑटोबायोग्राफी एलिमेंट इन नॉवल द प्राइम ऑफ मिस तो अब मैं आता हूँ मेजर पॉइंट के ऊपर दैट इज गाइस क्या करना है जो स्ट्रेटजी बोली उसको फॉलो करना है किस तरह कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स है आपके पास मैंने कहा था आज मैं वीडियोज लेके आऊँगा 10 वालों की आ गई 3 वालों की आ गई 8 वालों की रह गई 7 वालों की डाल चुका था कल 2 वालों की कल डाल चुका था सर कौन सा रह गया 11 वाला रह गया उनके लिए भी आएगी डोंट वरी जिन जिनका रह गया उन सब की वीडियोस आएगी उसके बाद आएगी डिटेल वीडियो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो सर उसके साथ क्या लाइव सेशन होगा आज तो आज रात को 11:15 मिलते हैं आपके साथ तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट राइट डन क्योंकि नाम शाउट आउट होगा बाय गाइस